नमस्कार, स्वागत है, आप देख रहे हैं NBC 24। मैं आपके साथ अंकित सिंह चौहान। बता दूं कि 17 सितंबर से शुरू होने वाले पहले टेस्ट मैच यानी कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच होने वाले पहले टेस्ट मैच का भारतीय टीम का ऐलान कर दिया गया है। ऐसे में यह आसार लगाए जा रहे थे कि अनुभवी ऋषभ पंत और साथ ही रिद्धिमान साहा को टीम में जगह मिल सकती है, लेकिन इन 11 प्लेइंग 11 में जो टीम का अनाउंस किया गया है, इसमें सबसे बड़ी बात है कि ऋषभ पंत को, जिन्होंने पहले अभ्यास मैच में शतकीय पारी भी खेली थी, उन्हें विश्राम दिया गया है। वहीं रिद्धिमान साहा को टीम में जगह दिया गया है। और इस मैच की सबसे बड़ी खासियत है कि एक दिन पहले ही टीम का अनाउंस कर दिया गया है, यानी कि BCCI के कैलेंडर लिस्ट में ऐसा पहली बार हुआ है जब भारतीय टीम का अनाउंस किसी भी मैच से पहले कर दिया गया है। इस मैच की चर्चा करें तो पृथ्वी शाह की बात करें, जो अभी हाल ही में टीम इंडिया के लिए डेब्यू किया था, उन्हें भी KL राहुल यानी कि अनुभवी विकेटकीपर बल्लेबाज, जिन्हें पहले मैच में टीम में मौका नहीं मिला है, यानी कि पूरा कह सकते हैं जिस तरह से विराट कोहली ने साफ कहा था कि हम जब पहले मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ एडिलेड में उतरेंगे तो हमारी टीम काफ़ी मजबूत होगी और साथ ही अनुभवी भी होगी। और साथ ही टीम इंडिया के जो कोच रवि शास्त्री है, उन्होंने भी कहा था कि जब हमारी टीम पहले मैच में उतरेगी तो हम हर प्रारूप में ऑस्ट्रेलिया से मजबूत होना चाहेंगे। ऐसे में साफ कह सकते हैं कि पहला मुकाबला जब एडिलेड में गुलाबी गेंद से खेला जाएगा तो इस मुकाबले में भारतीय बल्लेबाज ऑस्ट्रेलिया के ऊपर मजबूती से अपनी पकड़ बनाते हुए नजर आएंगे। वहीं अभ्यास मैच की बात करें तो जिस तरह से अभ्यास मैच में भारतीय बल्लेबाजों ने पहले और दूसरे पारी में भारतीय बल्लेबाजों का दबदबा ऑस्ट्रेलिया गेंदबाजों पर देखा गया था, ऐसे में साफ है कि पहले मुकाबले में जब टीम इंडिया ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ एडिलेड में उतरेगी तो उनका पलड़ा भारी रहेगा। और साथ ही भारतीय गेंदबाजों की बात करें तो जसप्रीत बुमराह ने भी अभ्यास मैच में कहा है कि हम ऑस्ट्रेलिया की हर चुनौती के लिए तैयार हैं। जसप्रीत बुमराह साथ ही मोहम्मद शमी और उमेश यादव की पेस अटैक एक बार फिर टीम इंडिया के लिए काम आने वाली है। अभ्यास मैच में भी इन्होंने अच्छी गेंदबाजी की थी और जिस रन रेट के आधार पर गेंदबाजी करते हुए ऑस्ट्रेलिया को चुनौती दी थी, ऐसे में साफ है कि पहले टेस्ट मैच में भारतीय बल्लेबाज और साथ ही गेंदबाजों का पलड़ा ऑस्ट्रेलिया के ऊपर काफ़ी भारी नजर आ रहा है। इसी प्रकार और भी खबरों से बने रहने के लिए हमारे NBC 24 को सब्सक्राइब कर लीजिए और यही वीडियो अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो कर लीजिए। NBC 24, सच की ताकत।